सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेकर जाने वाला हूँ। सो उसको लगभग हो गए कुछ 8-9 दिन हो गए गाड़ी लिया हुआ। उसका किलोमीटर भी अभी कितना हुआ है, लगता है, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 354 टोटल किलोमीटर। तो गाड़ी को थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये जो सामने वाला डिस्क है वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है, यहाँ से कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है। और जो फ्रंट हेडलाइट है वो भी रात को अच्छे से क्लियर नहीं दिखता है जब ज़्यादा अंधेरा होता है, तो उसकी वजह से। और यहाँ पीछे से भी थोड़ी आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़ जैसे, कुछ मालूम नहीं किसकी आवाज़। तो उसकी वजह से ज़्यादातर मैं सर्विसिंग के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी तक तो बस 354 किलोमीटर कुछ हुआ है। तो बाकी अभी तो देखते हैं आगे चलकर वो लोग क्या बोलते हैं, सर्विसिंग करते हैं या फिर नहीं। ये आवाज़ भी ज़्यादा आती है, इसकी वजह से ज़्यादातर मैं सर्विसिंग के लिए जा रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं अपने जो मड़गांव सर्विस सेंटर, उन लोगों ने मुझे बताया कि ग्रेस चर्च के वहाँ किसी साइड कुछ है उसकी वजह से। तो अभी चलते हैं फटाफट से और आपको मिलते हैं आगे के व्लॉग में।
तो बाकी ये रही अपनी गाड़ी और प्रोसेस में है, तो देखते हैं कितना देर लगता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसके सामने का व्हील है वो निकालना पड़ेगा, उसका कुछ ऑयलिंग का फॉल्ट है वो रहता, तो बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो भाई सब फिलहाल गाड़ी अंदर लेकर गए हैं, तो आपको यहाँ से बाहर से दिखा देता हूँ जो हो रही ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो बाकी अभी देखते हैं कितना देर लगता है ठीक होने के लिए, क्योंकि जो फ्रंट व्हील है वो शायद निकालना पड़ेगा, तो बाकी ज़्यादा देर लगभग एक घंटा भी लग सकता है, तो बाकी देखते हैं आगे कितना देर रुकना पड़ेगा। तो गाइस अभी गाड़ी बाहर लेकर आ रहा है, तो गाइस अभी गाड़ी लगता है रेडी हो चुकी है, तो अभी वो बस टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जा रहा है, तो बाकी अभी देखते हैं या कुछ इशू है या कुछ नहीं, तो बाकी आप देखो गाड़ी अभी शायद वॉशिंग के लिए भी जाएंगी, क्योंकि जो फ्रंट डिस्क है वो थोड़ा आवाज़ कर रहा था, तो बाकी उन्होंने कर लिया लगता है, तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। तो गाइस अभी टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जा रहा है, ये रहा वेस्पा सर्विस सेंटर, इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो किसी को यहाँ पर नज़दीक पड़ता है तो वो यहाँ पर आके अपनी जो भी वेस्पा या फिर एप्रिल है वो सर्विस सेंटर में सर्विस कर सकता है, तो बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी गाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हो वॉशिंग के लिए लेकर आया है, तो अभी वॉशिंग करके फिर बाद में मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या चेंज कर लिया है, तो बाकी अभी वॉशिंग करके लगभग उनका जो कुछ पेपर वर्क शायद होगा फिर उसके बाद मैं आगे आपको बता दूंगा। सो गाइस अभी गाड़ी फाइनली फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, जो वो रही आपको दिख रहा होगा एकदम चकाचक लग रही है दो के पूरा, तो बाकी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या नया डाला है, ये देखो सी आई कॉम्प्रीवेबल हो चुका है, इंजन ऑयल ओ रिंग वो सब कुछ नया डाला हुआ है, रिंग गैस किट, सो टोटल होता है 510 पर सर्विसिंग का। तो बाकी अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो एक बस छोटी सी टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि जो डिस्क है उसका थोड़ा आवाज़ आ रहा था उसकी वजह से, और बाकी वो जो पीछे का आवाज़ आ रहा था वो वाइब्रेशन वो कुछ मड़गाड़ है छोटा सा तो उसका बोल रहा था वो, तो बाकी अभी देखते हैं। तो मैंने उससे पूछा था कि मैं गाड़ी को टेपिंग कर सकता हूँ या फिर नहीं, वो बोला हाँ कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कर सकता है तो अपने ऊपर है कितना करेगा, तो बाकी वो बोल रहा था कि एडिशनल मतलब जो फॉग लाइट वगैरह है या फिर कोई लाइट डालते हैं वो मत डाल, क्योंकि जो वारंटी है वो ख़त्म होने के बाद डाल बोला, तो बाकी देखते हैं अभी यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, तो आपको मिलते हैं रास्ते पे।